सो स्टूडेंट नाउ विल इंक्रीज द लेवल ऑफ द क्वेश्चन एंड स्टूडेंट्स एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी कि रैशनल नंबर इज़ वेरी वेरी इजी टॉपिक इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद टेबल्स एंड साइंस। अगर आपको साइंस के रूल सारे अगर पता है जो हमने इंटीजर्स में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो अगर आपको पता है तो बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, टोटल न्यूमेरिक टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी वेरी स्कोरिंग टॉपिक। तो आप इसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रैशनल नंबर पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इसमें कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक लॉज नहीं है, कोई थ्योरम्स नहीं है, सिंपल न्यूमेरिक चैप्टर है तो ये ज़्यादा ईजी है, तो आप स्कोर अच्छा इसमें कर सकते हैं। अनदर क्वेश्चन इज -3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/5 प्लस 9/5 मल्टीप्लाई बाय -10/3। एंड थर्ड टर्म इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4। नाउ हियर वी आर हैविंग द मल्टीप्लीकेशन और प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर एज वेल एज उनका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। मीन्स फर्स्ट वी लर्न एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, देन वी लर्न सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, नाउ वी लर्न प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर। अब उन सब का मिक्सचर दे दिया है, स्टिल इट इज वेरी ईजी इफ यू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप केयरफुली, राइट। हम सबसे पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम देखेंगे कुछ कैंसिलेशन हो रहा है क्या, यस 2 1 2 2 2 4। जितना सिंप्लीफाई हो रहा है हम उसको कोशिश करते हैं कि सिंप्लीफाई हो जाए, सो वी कट डाउन 2 एंड 4। नाउ -3 एंड यहां पर हमारे पास क्या आ गया 2, इधर डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है एंड 5। सेकेंड टर्म वील सी दैट इफ एनी नंबर इज कटिंग नम, सो यस 5 1 5 5 2 10, राइट। सो नाउ वी विल हैव 9 मल्टीप्लाई बाय -2। जो जो टर्म बची है उनको ध्यान से देख के लिखेंगे, यहां पर 1 एंड 3। नाउ इधर कुछ कट हो रहा है नहीं, सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई 1 3 3 4 2 8। अब हम और आगे देखेंगे कुछ कट डाउन हो रहा है, यहां पर फर्स्ट टर्म में कुछ भी कट डाउन नहीं हो रहा है, देन व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू द डिनोमिनेटर। सेकेंड ब्रैकेट इन दिस टर्म 3 एंड 9 इज कटिंग, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय -2/1 × 1 और ये हमारा सॉल्व हो चुका है, इसको हम यहाँ कंटिन्यू करें। -6/5 3 2 -6/1 -3/8। नाउ विल ओपन द ब्रैकेट -6/5 प्लस माइनस इज माइनस एंड -3/8। दिस इज नॉट अ फ्रैक्शन सो वील पुट 1 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज द क्वेश्चन सिमिट्री हैज टू बी मेंटेन, है ना, क्वेश्चन की सिमिट्री मेंटेन होना चाहिए। यहां पर डिनोमिनेटर नहीं है सो हमने 1 लगा दिया। नाउ वील टेक एलसीएम, द एलसीएम ऑफ 5, 1 एंड 8 इज 40, राइट। 5 8 are 40, so here 6 into 8, 1 40 are 40 minus 8 5 are 40, okay, -6 into 8 is -48, this is -240 and this is 15/40. So finally it is -303/40
Now we'll check it is solved. It is finally solved or it will solve further. So 303 and 40 कभी cancel नहीं होंगे. So this is your final answer. So student, हमने multiplication में हर तरह का question लिया जिससे आपको उनका product भी आ जाए, plus भी आ जाए, minus की भी practice हो जाए. Another example is minus 3 upon 5 multiply by minus 10 upon 9 multiply by 21 upon minus 4 multiply by minus 6. अब यहाँ पर question जो है simple product है but sign कुछ अलग अलग places पे है. Sometimes it is in denominator and sometimes it is in numerator. Then what we'll do? Denominator में जो sign है वो हमें complication दे सकता है, तो हम एक question की symmetry बनाएंगे. As well as यहाँ पर ये fraction नहीं है, so we'll put one in the denominator. अब हमारा question एक जैसा लग रहा है. इस minus को हम numerator में shift कर सकते हैं, because हमने पहले भी पढ़ा है, like 21 upon minus 4 m. We don't want minus sign in the denominator. Then what we can do? We can multiply by minus 1 and minus 1. First property of rational number. If there is a number m which can be multiplied and divided to the rational number, then answer will be the same. Koi effect nahi hoga. 21 and minus 1 is minus 21. Minus 4 and minus 1 is 1. Sorry, 4. डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव हो गया है, मींस हम 21 अपॉन माइनस 4 लिखें और माइनस 21 अपॉन 4 लिखें, बोथ हैव सेम मीनिंग. कैसे सेम मीनिंग है वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया, बट इन दिस क्वेश्चन वी विल नॉट शो दिस मेथड, वी विल डायरेक्टली पुट द साइन इन द न्यूमरेटर. कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया कि इनका दोनों का जो मीनिंग है वो जो है वो सेम है, राइट. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज माइनस 3 अपॉन 5, माइनस 10 अपॉन 9, माइनस 21 अपॉन 4, और उसका रीजन आई हैव ऑलरेडी गिवन. अब क्वेश्चन में सिमेट्री लग रही है, एंड जब क्वेश्चन में सिमेट्री होगी तो सॉल्व करने में भी मजा आएगा, कॉम्प्लिकेशन कम लगेगा. नाउ व्हाट विल डू, विल सॉल्व. एक एक स्टेप करेंगे. यहां पर 5 है, यहां पर 10 है. We can cut this 5 and 10. 5 ones a 5, 5 twos a 10. अभी हम और ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगेगा. सो हम एक एक स्टेप करते हैं. माइनस 3 अपॉन 1, डिनोमिनेटर में अब हमारे पास क्या है, 1. माइनस 2 अपॉन 9, एज इट इज विल कॉपी द क्वेश्चन. माइनस 6 अपॉन 1. नाउ this is 3 and this is 9, both are in the table of 3, so we can cut both the terms. 3 ones are 3, 3 threes are 9. अभी भी हम इसे और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, स्टेप को कॉपी कर लेंगे. दिस इज माइनस 1, डिनोमिनेटर इज 1, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कॉपी, राइट. नाउ अगेन चेक करेंगे. 2 वन्स अ 2, 2 टूज अ 4. अब हम इसे यहां कंटिन्यू करेंगे. कंटिन्यू जब करेंगे, माइनस 1 अपॉन 1, सो इट इज माइनस 1. देयर इज नो नीड टू राइट डिनोमिनेटर बिकॉज 1 लिखने का कोई सेंस नहीं है. सेकेंड टर्म में हमारे पास हो चुका है माइनस 1 अपॉन 3, सॉल्व हो चुकी है. थर्ड टर्म इज माइनस 21 अपॉन 2 एंड फोर्थ टर्म इज माइनस 6 अपॉन 1. सो नाउ क्वेश्चन जो है हमारा वो सिंप्लीफाई होके ऐसा हो चुका है. नाउ 3 वन्स अ 3, 3 सेवन्स अ 21. यहां पर अब हम 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अब हमारा काफी क्लियर हो चुका है, ठीक है. नाउ विल राइट द रिमेनिंग टर्म्स. माइनस 1 अपॉन 1 मीन्स यहां पर भी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1. इट इज माइनस 7
upon 1, and as I told you there is no need to write denominator if it is 1. So, मैं सिर्फ minus 7 लिख रही हूँ and यहाँ पर minus 3, again denominator is 1, so I am not writing it, right? अब हमारा question कितना simple हो चुका है, simple multiplication, so it is 21. Now we'll take care of sign. 4 minuses are here, 4 negative terms are here. So what will be the sign? Yes, plus, because negative negative is positive, positive negative is negative, and that negative is negative is positive. इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर negative जो है वो even है, 4 बार आ रहे, 4 times they are coming, so it will become positive. So your answer is positive 21. इसको हम check करें. So दोस्तों, we are learning the multiplication of rational number, either 2 rational number or more than 2 rational number. Now there are some important properties which follows multiplication, like multiplication is commutative. Multiplication is commutative. How? Like we are having 2 rational number, one is a by b, another is c by d, and we are multiplying the rational numbers. Then either you can write this way or you can write in this way, the answer will be same. Means उनकी position exchange कर दी, हमने a into b किया either or b into a किया, दोनों में answer जो है वो equal आएगा. Means multiplication जो है verify करेगा commutative property को. जैसे हम छोटा सा example ले लेते हैं, like we are having 2 by 3 and 1 by 5. इसको हम solve करेंगे, so numerator will multiply to the numerator and denominator will multiply to the denominator. सिमिलरली इनकी हम पोजिशन चेंज कर देंगे, देन 2 × 1 = 2 / 5 = 15. LHS एंड RHS. LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, द आंसर इज सेम. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में लग रही है, ठीक है. साइन चेंज करके कोई हम नंबर ले लेते हैं, लाइक आई एम हैविंग −2/3 × 5/7. हम इसको कम्यूटेटिव से चेक करेंगे, सो इसका दूसरा पार्ट जो होगा 5/7 एंड −2/3. आंसर शुड बी सेम, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का आंसर जो है सेम आना चाहिए. −2 × 5 − 10, 7 × 3 = 21. सिमिलरली 5 × −2, बट आंसर इज −10, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में पोजिशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सो ये हुआ मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. नाउ अनदर वन इज मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव. मीन्स ब्रैकेट्स की पोजिशन चेंज करने से भी मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. मीन्स इफ यू चेंज द पोजिशन ऑफ द ब्रैकेट, then there will be no effect in the answer. Like multiplication is associative also. How? We are having 3 rational number. One is a by b, second is c by d, and third is e by f. The position of the bracket is here in the first part. It will be equals to this, right? This is associative property. अब इसको numeric ले लेते हैं हम कुछ भी, like 1/2, 3/5 and 2/7. The bracket position is here. Similarly, 1/2 × 3/5 × 2/7. Now the brackets are here. Then what will happen? Isko hum solve karenge. Numerator will multiply to the numerator. So 1 3 is a 3, 5 2 is a 10,
फर्स्ट हमने क्या किया, ब्रैकेट सॉल्व किया. नाउ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट इज अगेन 3 2 6, 10 7 17. सिंपलेस्ट फॉर्म में ट्राई करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन कट 2 and 10, 2 1 2, 2 5 10. नाउ आई विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू द न्यूमरेटर, 3 1 3, 5 7 35. सो इन द फर्स्ट पार्ट आंसर इज 3/35. नाउ आई विल सॉल्व सेकेंड पार्ट, 1/2 एज इट इज, बिकॉज फर्स्ट वी सॉल्व ब्रैकेट एज पर बॉडमॉस, है ना. इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 2 6, 7 5 35. नाउ हेयर वी कैन डू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, बट 2 and 6 आर कैंसलिंग आउट, 2 1 2, 2 3 6. नाउ वी विल मल्टीप्लाई, सो 1 3 3, सारे न्यूमरेटर सॉल्व हो गए एंड सारे डिनोमिनेटर, आंसर इज 3/35. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज कि इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द ब्रैकेट देन देयर विल बी नो इफेक्ट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव ऑल्सो. स्टूडेंट्स इसके अलावा हमने दो इंपॉर्टेंट चीज ऑलरेडी पढ़ी एंड टूडे अगेन आई एम रिपीटिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ 0 and 1. इफ वी मल्टीप्लाई 0 बाय एनी रैशनल नंबर देन वॉट विल हैपन, यस आंसर विल बी 0. इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू द 0 देन आंसर विल बी 0. इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ 0. लाइक आई एम हैविंग रैशनल नंबर a/b एंड इफ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 0 आंसर विल बी 0. एनी नंबर, आई हैव नेगेटिव रैशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 आंसर विल बी 0. आई हैव रैशनल नंबर इन दिस वे एंड मल्टीप्लाई बाय 0 देन टू आंसर इज 0. सो इफ एनी रैशनल, और यू कैन से इफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज ऑलवेज 0. अनदर इंपॉर्टेंट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विच इज वेरी 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 इन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ इनवर्स. इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल, ऑपोजिट, जस्ट उल्टा. लाइक आई एम हैविंग रैशनल नंबर a/b, a इज इन द न्यूमरेटर एंड b इज इन द डिनोमिनेटर, राइट. a/b, a इज न्यूमरेटर, b इज डिनोमिनेटर. सो इनवर्स ऑफ दिस इज b/a. डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर हो गया और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा. वी कैन एक्सचेंज द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दिस इज कॉल्ड इनवर्स. मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स इफ आई एम हैविंग अ रैशनल नंबर a/b एंड द इनवर्स ऑफ a/b इज b/a, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ द टर्म देन आंसर शुड बी इक्वल्स टू 1. कैसे? ये सारा कैंसिल हो जाएगा, a/b विल बी कैंसिल टू द b/a एंड द आंसर विल बी 1. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स. कोई भी नंबर हो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कैसा होगा? लाइक आई एम हैविंग 1/3, देन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/3 इज 3/-1 एंड इफ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ द टर्म देन आंसर विल बी 1. हाउ? -1 विल कैंसिल टू द -1, 3 विल कैंसिल विद द 3. फाइनली कितना आंसर आया हमारे पास? 1. सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पोजिशन चेंज हो जाना. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट. ये चार जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी ये तो हमने पहले भी पढ़ी एंड अगेन वी हैव टेकन अ रिविजन, बट
today I am going to tell a very very important and new property that is called distributive property. जो हमने natural numbers, whole numbers and integers में तो पढ़ी है but rational numbers के लिए नहीं पढ़ी है. So now we are learning distributive property for rational numbers. Distributive property for rational numbers. Right? We are having three rational number A by B, C by D, E by F. Then how it will apply? A by B multiplied by C by D plus E by F. If I am having this situation in any question, then we can solve in this way. A by B will multiply by C by D, means the first will multiply to the this and this, plus A by B will multiply to the E by F. This is the property. Property says either you can solve in this way, like पहले आप bracket solve करें, जो भी answer आए उसको you can multiply with A by B, or इनको parts में आप break कर सकते हैं. First part will multiply to the first, then जो भी बीच में sign दिया है either plus or minus, and it will multiply to the second term. So this is called distributive, means हमने question को distribute कर दिया in two parts, right? Both are having the same meaning, answer भी दोनों का same आएगा. जो आपको convenient लगेगा वो हम उसको follow करके use करेंगे. But this is the property. कि property ऐसा बोलती है कि if we are having three rational number in this manner, then we can write in this manner also. This is called distributive property. पहले मैं इसको लिखना बताती हूँ, then we'll solve question. Like I am having 2 by 3 multiply by 5 by 7 my plus मान लीजिए 5 by 2. Just we'll write a property, right? This is left part. Right part में हम क्या कर सकते हैं? This will multiply to this and this will multiply to this also, because distributive property says we can distribute in two parts. 2 upon 3 multiply by 5 upon 7. This is first plus. यहाँ पर जो भी sign होगा वो यहाँ copy होगा. 2 by 3 multiply by minus 1 by 2. This is second part. Means 3 terms थी question में और वो 4 parts में distribute हो गए. So this is called distributive property. अब हम example के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे. So student, distributive property दिखने में जरूर complicated है, but it will really help you to solve question, right? It will really make easy. Question is 2 upon 3 multiply by minus 3 upon 5 plus 7 upon 10. हम इन्हें दो तरीके से करेंगे. एक तो हम सिंपल ब्रैकेट सॉल्व करके सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंड हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे, एंड वी कैन कंपेयर कि विच इज मोर इजियर, राइट? फर्स्ट विल सॉल्व बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इट सेज, इसका इससे मल्टीप्लाई, देन दिस टर्म विल मल्टीप्लाई टू दिस ऑल्सो, राइट? सो 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 बाय 5. जो भी बीच में साइन है वो आता है, एज आई टोल्ड यू. नाउ 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय 10. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ फर्स्ट विल चेक आइदर सम टर्म विल कैंसिल और नॉट, अदरवाइज वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर. हेयर 3 एंड 3 आर कैंसलिंग आउट. 3 वन जा 3, 3 वन जा 3. न्यूमरेटर में अब हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 5 प्लस. यहाँ 2 एंड 10 आर कैंसलिंग आउट. 2 वन जा 2,
2 5s are 10. In numerator we have 1 by 7 and in denominator we have 3 and 5. Simple solve karenge, 2 1s are 2 upon 5 plus 7 upon 35. Now we will take the LCM. थ्री फाइव इज अ 15. नाउ 5 एंड 15 का एलसीएम जो है दैट इज 15. इट इज माइनस 2. 5 थ्री इज अ 15 प्लस 15 वन इज अ 15. सो माइनस 6 प्लस 7 अपॉन 15 and finally it is 1 upon 15 because minus 6 plus 7 is 1 and greater number has a positive sign, so your answer is 1 by 15. Dekhe kitna simplest way mein solve ho gaya. Now I will solve directly with Bodmos property. Bodmos mein hum kya karte hain, first we need to open the bracket, means bracket ko hum solve karenge. Second method, 2 by 3 multiply 3 upon 5 plus 7 upon 10. The LCM is 10. 5 2s are 10 plus 10 1s are 10. This is copy because humne bracket ko pehle solve kiya hai. Now minus 3 2 is 6 and 7 upon 10. 2 upon 3, this is 1 by 10. Now either you can multiply numerator to the numerator, denominator to the numerator, but what I said ki jab tak simplify ho raha hai, we'll try for simplification. So here 2 1s are 2 and 2 5s are 10. So finally in numerator it is 1 into 1 means 1. And in denominator 3 into 5 means 15. देखिए आंसर सेम आया, कोई फर्क नहीं पड़ा. सो आप यू कैन चूज आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और यू कैन सॉल्व सिंपली. अभी सिंपल क्वेश्चन था, न्यूमेरिक वैल्यू बहुत छोटी थी, सो अभी हमें ये इजी लग रहा है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से और भी ज्यादा इजी हो जाएगा. एक और क्वेश्चन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3 प्लस माइनस 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5 बाय 6. We need to verify this question, means LHS equals to RHS हमें show करके देना है. This is a distributive property. So what we'll do? Bracket solve. पहले हम उसको simplify करेंगे. Plus minus is minus. First we solve sign. Now we'll take LCM. The LCM of 3 and 6 is 6. 3 2's are 6 minus 6 1s are 6, right? This term is as it is. Now minus 3 upon 4, 2 2s are 4 minus 5 upon 6 means minus 3 upon 4 multiply by minus 1 upon 6. Why minus 1? Because 4 minus 5 is minus 1. इसको यहाँ continue करते हैं. यहाँ पर 3 and 6 are cancelling out. 3 1s are 3. 3 2s are 6. So finally we have minus 1 multiply by minus 1 upon 4 into 2 and which is equal to 1 upon 8. एंड अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है. सो यूर लेफ्ट हैंड साइड आंसर इज 1 अपॉन 8. नाउ विल सॉल्व राइट पार्ट. आंसर क्या आना चाहिए? 1 अपॉन 8.
ये दो टर्म है हम इन्हें सॉल्व करेंगे. एज आई टोल्ड यू जो कैंसिल हो रहे हैं, हमारी कोशिश होगी कि वो कैंसिल हो जाएं. 3 and 3 आर कैंसलिंग आउट. सो वी हैव -1 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 4 इंटू 1. सिमिलरली इधर 3 1 3 3 2 6. नाउ वी हैव इन न्यूमरेटर -1 -5 अपॉन 4 इंटू 2. हम एक साथ सारे कैंसिलेशन नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन विल बी मेसी, राइट. तो हम उसको इजी स्टेप्स में करेंगे. नाउ 2 1 2 2 2 4. नाउ इन द फर्स्ट टर्म न्यूमरेटर बिकम 1, तो अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 1 से सिंपलेस्ट कुछ भी नहीं. सो फाइनल इट इज -1 मल्टीप्लाई बाई 1 2 इंटू 1, राइट. इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे बट एज फॉर योर कन्वीनियंस मैंने ऐसा लिखा है. -1 -5 इज 5 अपॉन 8. नाउ -1 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 8. विल टेक द एलसीएम एंड द एलसीएम ऑफ 2 एंड 8 इज 8, राइट. 2 4 8 प्लस 8 1 8. सो नाउ वी हैव -4 प्लस 5 अपॉन 8 एंड फाइनली इट इज 1 अपॉन 8 बिकॉज -4 प्लस 5 इज 1. देखिए राइट पार्ट में भी वी हैव 1/8 एंड इन द लेफ्ट पार्ट वी हैव 1/8. आंसर इज सेम, मीन्स इट इज वेरीफाइंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. जो आपको कन्वीनियंट लगे सॉल्यूशन आप उसके हिसाब से कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी सेज इफ वी राइट दिस टर्म इनटू दिस फॉर्म देयर विल बी नो इफेक्ट इन द आंसर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी.